देश का पहला कोरोना संक्रमण का मामला एक मेडिकल छात्रा का था। मेडिकल छात्रा पिछले साल जनवरी महीने में चीन के वुहान से अपने गृह नगर केरल के त्रिशूर आई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि वह छात्रा डेढ़ साल बाद फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। त्रिशूर की डीएमओ डॉक्टर ने पीटीआई को बताया कि वह छात्रा फिर कोरोना पॉजिटिव है। उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव और एंटीजन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वह छात्रा दिल्ली की यात्रा करना चाहती थी, इसलिए उसका कोरोना टेस्ट किया गया। उसकी रिपोर्ट को देखकर सभी हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा वह इस समय घर पर है और पूरी तरह से ठीक है। वहीं बता दें, देश में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार अब सुस्त पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 31,443 नए मामले सामने आए हैं। 118 दिनों में संक्रमण का यह सबसे कम आंकड़ा है, जबकि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है।